आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जीवन मंडी स्थित ढाबे में लगी है आग, जहां भीषण आग की सूचना पर पहुंचा दमकल विभाग। दमकल कर्मी रामकेश गुर्जर ने बुझाई आग, जान पर खेल कर बचाई है दो लोगों की जान। इस वक्त की बड़ी खबर, फायर ब्रिगेड कर्मी का लोगों ने किया है सम्मान। थाना छत्ता के जीवनी मंडी क्षेत्र की है ये पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आपको दिखाई जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जीवन मंडी स्थित ढाबे में भीषण आग लगी है, जहां पर भीषण आग की सूचना पर पहुंचा है दमकल विभाग, जहां दमकल कर्मी रामकेश गुर्जर ने बुझाई है आग, अपनी जान पर खेल कर दो लोगों की बचाई है जान। फायर ब्रिगेड कर्मी का लोगों ने किया है सम्मान। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है। थाना छत्ता के जीवनी मंडी क्षेत्र की है ये पूरी घटना, जहां पर अचानक से आग लग जाने के कारण लोगों में मचा है हाहाकार, जहां पे जीवनी मंडी से ढाबे में लगी है भीषण आग। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची है दमकल विभाग की गाड़ियां, जहां पर दमकल विभाग ने रामकेश गुर्जर ने बुझाई है आग, जान पर खेल कर बचाई है दो लोगों की जान। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड कर्मी ने लोगों ने किया है सम्मान, जहां पर रामकेश ने अपनी जान पर खेल कर बचाई है दो लोगों की जान। थाना छत्ता के पास का पूरा मामला आपको बताया जा रहा है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जीवनी मंडी स्थित ढाबे में भीषण आग लगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। तो ममता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये आगरा के थाना क्षेत्र जीवनी मंडी चौराहे का ये पूरा मामला है, जहाँ एक ढाबा है, वहाँ उसमें भीषण एक सिलेंडर लीक होने से आग लग गई है। वहाँ मौके पर जैसे ही दमकल कर्मचारी जो वहां से निकल रहे थे, तो वहां का जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने आग को लगते हुए देखते हुए स्थिति को पूरी तरह से वहां संभाल लिया और एक बोरा लेकर के उसको पानी में भिगा के पूरी जो सिलेंडर था जहां से आग लगी हुई थी, जहां से आग का जो फैल रही थी आग, उसे पूरी तरह से काबू में ले लिया। जी ममता, आग लगने का क्या कारण बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह की आग लगने का, जैसे मैंने आपको बताया कि ढाबे पर जो सिलेंडर था उसके पास कोई पाइप खराब हो गया था, तो वो पाइप लीक हो रहा था, पाइप के लीक होने की वजह से सिलेंडर में आग लग गई। ममता, क्या कुछ जानमाल की भी हानि बताई जा रही है, कितना नुकसान हुआ है इस आग लगने से? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि जिस तरह जो जानमाल की बात करें, तो जो दमकल कर्मी थे रामकेश गुर्जर जो वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखते ही जैसे स्थिति को काबू में लिया, तो वहां दो लोगों की जान उस ढाबे में खतरे में थी, तो उन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए वहां दोनों लोगों को आग से पूरी तरह बचा लिया, सुरक्षित वहां से निकाल लिया है। तो फिलहाल कोई जान माल की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कि जो वहां से उन्होंने पूरी तरह दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल के बाहर कर दिया। जी, तो अभी वहां की स्थिति सामान्य बताई जा रही है या अभी भी आग का मामला है? बिल्कुल, जिस तरह के तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो जब स्थिति भयावह थी, उस स्थिति को रामकेश जो फायर ब्रिगेड कर्मी है, उन्होंने पूरी तरह से जो स्थिति को सामान्य कर लिया गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पर जीवनी मंडी में अचानक से आग लगने से आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।